कहाँ से काट के खाओ। हिंदी में बोलूं तो तू मेरी बहू लगती है, पंजाबी में बोलूं तो मेरी नू लगती है। फिर आप लोगों के लिए ना एक छोटा सा चैलेंज है, अभी देख लो मेरे इंस्टाग्राम पे 157K, तो फटाफट से जाओ और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और 159K करा दो। तो आज ना देखते हैं कि जो अपनी YouTube फैमिली है ना उसमें कितनी पावर है। तो गाइस जाके 159K फॉलोअर्स करा दो, तो एक दिन में 2000 लोग भी अगर फॉलो कर लेना तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसे ही मुझे Instagram पे फॉलो करोगे ना तो मैसेज में लिख देना #SahibNoorSinghVlogs एंड जितने भी टॉप 10 अच्छे कमेंट्स होंगे ना उनको मैं आज रिप्लाई करूंगा Instagram पे। ओ हेलो, हाँ जी भाई, ब्रेकफास्ट करने नहीं जाना भाई? भाई का क्या ही ओवर का भाई, टाइम देख ले, 10 मिनट रह गए। कोई नहीं, जाना है कि नहीं जाना? जाते हैं भाई, हम लोग निकल रहे हैं। गुड नाइट, चलो सो जा। तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो सारे? वेलकम टू माय व्लॉगिंग चैनल, आई होप आप सारे अच्छे हो गए। तो अभी व्लॉग अपलोड करा है और ये जो चटोरा है ये सो रहा है भाई। हाँ सुन ले, अगर हम नहीं पहुँचे ना वहाँ तो ब्रेकफास्ट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 10:30 होने वाले, 10:30 और मे बी यहाँ पे 10 ही ना हो, है ना? अभी आई एम नॉट श्योर। तो गाइस अभी चलते हैं, व्लॉग अपना अपलोड हो रहा है और हम जा रहे हैं नीचे। बाकी आज हम जल्दी उठ गए, हम कल 6 बजे सोए थे और अभी टाइम क्या हो रहा है, 10 बज रहे हैं। मैं सारा का सारा ब्लॉग ना GoPro से करने वाला हूँ, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। बेचारे ने ना कल भी अपना विमानता में ब्रेकफास्ट मिस किया था, आज फाइनली जैसे तैसे करके घुस गया है बुफे में। चाहे 3-4 घंटे सोया हूँ बट आज नींद कुर्बान करके ब्रेकफास्ट करना बहुत जरूरी था। मतलब अगर ये 1 मिनट भी लेट जाता ना तो इसका ब्रेकफास्ट हो जाता बाय बाय टाटा खत्म। कल मैंने बहुत रिग्रेट किया भाई, मैंने कल सोचा कि भाई पहले सो जाता हूँ, कुछ कर लेता हूँ दिन में, मुझे लगा मगा भाई ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। ब्रेकफास्ट करके यार थोड़ा बहुत रिलैक्स किया तो अचिन तभी ना मेरे लिए ब्लैक कॉफी बना रहा, और ब्लैक कॉफी पीने के बाद हम जा रहे हैं जिम। तो यार 1 घंटा जिम मारेंगे, उसके बाद रेडी होके मैंने आगे को जाना। तो मे बी आज का जो प्लान है, मे बी हम देहरादून निकलेंगे तो मुझे दादी रात को 9 बजे कालका जी मिलेंगी, दादी को वहाँ से पिकअप करेंगे और सीधा देहरादून। पहले तो ये कपड़े आते भी नहीं थे जो आने शुरू हो गए, ये स्वीट है हमारा, स्वीट स्वीट नहीं है, स्वीट को हिंदी में बोलो ये वो है भाई, ये मत डाल क्या, स्वीट ने स्वीट बुक कराया। अच्छा स्वीट ने स्वीट बुक कराया, स्वीट कर देगा तुम्हें, समझ आ गई बात, पता भी नहीं चलने का। तुम वही तो चाहते हो जिंदगी में, हां चाहते क्या हो। आज लगा लो टोटल में लाके ना सिर्फ 3 घंटे सोए हैं, तो 4-4 घंटे सोया है। मैं 4 घंटे सोया हूं भाई, तू 4 घंटे, मैं 6 बजे सोया था और मैं सुबह 10 बजे छत, हां मैं 5 बजे सोया और हम दोनों 3 घंटे सोए हैं। लिटरली बता रहा हूं नींद इतनी आ रही है ना। तो भाई ने बोला था यार कि भाई फोटो करा लेना, तब तो मैं टर्बन में था नहीं, तो मैंने कहा एक बार टर्बन से जा लूं, उसके बाद आपको आगे मिलते हैं और फोटो क्लिक कराते हैं जी। थैंक यू सर, बस पाजी के चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें। तो यार हमने ना सारा सामान अपना गाड़ी में रख दिया, तो अब सीन थोड़ा ऐसा है कि जो अचिंत है वो जा रहा है अपने घर गुड़गांव में क्योंकि इसकी इंटर्नशिप चल रही है ताज के अंदर, और ये भाई फ्लाइट पकड़ के, कितने बजे की फ्लाइट है? 3 बजे की फ्लाइट है, तो 3 बजे की नहीं है, 5 बजे की फ्लाइट है। ये सीधा फ्लाइट पकड़ के निकल रहा है देहरादून और मैं रात को अपनी दादी के साथ, रमन के साथ और मेरा छोटा भाई, हम चारों एक गाड़ी में आने वाले हैं। मैंने कहा यार कि आपकी भाभी को ना एक बार दादी से भी मिलवा दे, बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यार आपने दादी से वो चैलेंज तो करवा लिया कि दादी रिएक्टिंग टू योर गर्लफ्रेंड फोटो, बट यार अपनी मतलब होने वाली वाइफ को अपनी दादी से नहीं मिलवाया। तो मैंने कहा यार चलो दादी से मिलवाना तो बनता है। अब यार एक्चुअली दिक्कत थोड़ी ऐसी कि मतलब हमें जाना है दूसरे डायरेक्शन में, हम जा रहे हैं वेस्ट दिल्ली से साउथ दिल्ली, तो कम से कम 1-1.5 घंटा लगता है, तो हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। तो अभी हम जा रहे हैं दादी के पास और मैं तो लिटरली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। कहाँ से काट के खाओ? ठीक है मेरे लिए तो नो है, आप पंजाबी में बोलो, पंजाबी आती है? पक्की है ना? अगर हिंदी में बोलूँ तो तू मेरी बहू लगती है, पंजाबी में बोलूं मेरी तो मेरी नू लगती है। तो हुण मेरे इन्ना सोहना मुंडा सी, असि सोच रहे थी कुड़ी सोहनी आएगी इस तो ज्यादा या इस तो घट आएगी, पर साडा मुंडा फेल हो गया। रियली सो सीरियसली मम्मा को लेके आ जाना, उसको छोड़। ओ भाई कह रहे मुझको छोड़, अभी कॉलेज को छोड़, लेके आ जाना नू इस पसे काम होंगे तो तू सास का मुकाबला बनने ना, मम्मा भी तो माता सुन, तभी तो कह रही हूं मैं पहली बार ऐसे देख लूं तेरे को तो मैंने कल ही जगीर पहले चेकआउट कर दिया था, अभी भी इनके होटल आओ ना इतनी अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है,
मतलब लिटरली बता रहा हूँ, घर टाइप फीलिंग आती है, डाइट मिल जाती है टाइम पे। पाजी मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं यार, थैंक यू पाजी, लव यू ब्रदर, लव यू। ओके ब्रो, एज एक्सपेक्टेड इस बंदे की फ्लाइट मिस हो चुकी है भाई। यार यहाँ इतनी बड़ी चपत लग गई मेरे को, और तो खुश हो रहा है भाई। मैं इतना एक्साइटेड था ना, मैं कहा बढ़िया अपना फ्लाइट पे जाऊंगा, दो घंटे में देहरादून पहुंच जाऊंगा। मैं कहा ये रात को आएंगे ट्रैवल ट्रूवल करते हुए, मैं अपना स्टारबक्स पीते हुए जाऊंगा, और भाई ट्रैफिक ने इतना फक कर दिया ना, बस क्या ही बताऊं, फ्लाइट मिस हो गई, मूड खराब हो गया भाई। मतलब तुम लगा लो दिल्ली में ये तो दिक्कत है साला, ट्रैफिक के चक्कर में बहुत फ्लाइटें मिस होती हैं। मुझे नहीं पता किस किस की मिस हुई है, मेरी तो साला दो तीन बार हो चुकी है। एक बार गोवा जाते भी फ्लाइट मिस हो गई थी, गोवा जाने से पहले ही बेमतलब की 20-25 हजार रुपए की चपत पड़ गई थी, और इसको भी पड़ चुकी है एक बढ़िया सी चपत। लेकिन कोई तो भाई कोई नहीं, करेंगे अब जा रहे हैं, फन करेंगे रास्ते में। याद तो मेरे को 1-1.5 घंटे से है, बट भाई को काम था तो हम लोग जरा आ रखे थे। अब देखते हैं भाई कॉफी मिलती है नहीं मिलती। वैसे खोलेगा नहीं, वो मना कर देगा यार, क्योंकि उनकी ना बिलिंग नहीं होती। एक शटर खोल के थोड़ी सी बना दे कॉफी एक हमारे लिए, हम बैंगर खुश हो जाएगा गरीब आदमी। पता नहीं क्या दिया इसने, तो वो बेस्टू लिया इसने। आपने दिलाई क्यों इसे, ये तो बताओ। दादी को दिलाई की, मैं कुछ दूंगा ना। नहीं मैं बैठू, जरा जा 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 भाई। मैं कह रहा ब्रीड के हिसाब से बहुत प्यारा नाम दिया इसका। पंजाबी फैमिलीज में शोर कैसे मचता है, इधर से भी आवाज आ रही है, इधर से भी आवाज आ रही है, इधर से भी आवाज आ रही है। क्या बोल रहा है वो देखा, हेलो समझ कुछ नहीं आ रहा है। पंजाबी बोलता नहीं, अद्दा की करा भाई, कोई एक्स्ट्रा बैग पड़ा तो बता दो यार, मैं शर्माता ही रह जाता हूं, और कुछ नहीं आता। सबसे बड़ी चीज तो एक है भाई, मास्क लगा के रखना, चालान ऐसे कटते हैं, यूं कट गए मेरे, जैसे उद्घाटन नहीं हुआ था चालान के साथ। देख रहे हो हर जगह से आवाज आ रही है, हर जगह से, कोई ऐसा कोना नहीं है जहां से आवाज ना आ रही हो। इट्स 6 AM और वी हैव टेकन अ ब्रेक। मतलब आप लगा लो 3.5 घंटे में तुषार ने हमें देहरादून पहुंचा दिया। मतलब देहरादून यहाँ से 15 मिनट ही दूर है, लेकिन फिर भी भाई 3.5 घंटे में मैं तो सोते पहुंच गया। मजा आ गया चलाने में, गाड़ी ऐसी भागी है ना भाई, सही चल रही थी, मजा आ गया। पहले तो मतलब हमें थोड़ा सा लगा कि यार भाई गाड़ी इतनी कम्फर्टेबल नहीं है, बट जब भाई तुम्हारा भाई बैठा ना ड्राइविंग सीट पे, एंड हो गया, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। बस ये वाला ब्लॉग डलेगा, और कल वाले ब्लॉग में हम गाड़ी रिवील कर देंगे। इन वादियों में नेचर कॉल करने भैया देखो पीछे गाइस, बरसाती नदी है ये बिल्कुल पीछे, तो यहाँ से मेरे को लगता है 15 मिनट लगेंगे अब पहुँचने में। आते ही ना मौसम इतना सेक्सी हो चुका है ना भाई, और हमें पता लगा कि भाई देहरादून में हो रही है बारिश। और पता है दिल्ली में ना यार बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, यहाँ का तो मतलब फील ही अलग है, एसी ना भी हो ना फिर भी आपका चिल्ला। देहरादून बेस्ट है, देख लो सामने ऊपर बादल, देखो कितने पास हैं, तो देखते हैं जरा हम पीछे ना, मतलब मे बी हमें कोई अड्डा मिल जाए बढ़िया सा। ये पूरा पैच है, तो ये भाई जब बारिश आती है ना बहुत, तो ये हाँ बरसाती नदी है, तो ये पूरी नदी कवर हो जाती है। मतलब एक हफ्ता दादी पूरा दिल्ली घूम के आ गई अपनी दोनों बेटियों के घर, और दादी अपनी तीसरी बेटी से भी मिलाई है अब, है दादी तीसरी बेटी से भी मिल के आ गई हूँ मैं तो, है ना। हाँ तो अब दादी को ना, अब दादी को लेके जाना है गुरुद्वारे, तो बहुत जल्द दादी को चंडीगढ़ सॉरी लुधियाना गुरुद्वारे भी ले जाएंगे, दादी को दर्शन करा लेंगे कि दादी की जो टांगे हैं उनमें फर्क आ जाए। बाकी दादी मजा आया आपको? बहुत मजा आया बेटा, बहुत मजा आया। टांगे ठीक हो जाए मैं तेरे साथ बहुत एंजॉय करूंगी। तो दादी कह रही है जब भी तू अब दिल्ली जाएगा मेरे को साथ लेके जाएगा, तो मतलब अगर मैं 2 बार दिल्ली जा रहा हूँ तो उसमें से एक बार तो दादी 100% दिल्ली जाएंगी ही जाएंगी। घर आ गए थे 10 बजे, उसके बाद आते सारी सो गया, बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, फिर अब उठाऊं मतलब आधे घंटे पहले, और एडिटिंग निपटाई है, तो मैंने कहा यार जो व्लॉग की एंडिंग है ना वो कर लेते हैं। कल वाले व्लॉग में ना एक्चुअली लास्ट कमेंट पढ़े नहीं थे, तो एक काम करते हैं जो आज का बेस्ट कमेंट है ना वो पढ़ते हैं। तो आज का बेस्ट कमेंट मारा शान गेमिंग ने, बेस्ट सरदार ब्लॉगर, जब आप थोड़े टाइम के लिए ऑफलाइन थे मेरा रोना निकल गया था, मिस्ड यू टू मच, एंड नाउ आवर साहिब भाई इज बैक विद क्रेजी वीडियोस, लव फ्रॉम उत्तराखंड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब हिम। सो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, प्यार करते हो, अच्छा लगता है। फिर आप लोगों के लिए ना एक छोटा सा चैलेंज है, अभी देख लो मेरे इंस्टाग्राम पे है 157K, तो फटाफट से जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और 159K करा दो, तो आज ना देखते हैं कि जो अपनी यूट्यूब फैमिली है ना उसमें कितनी पावर है। तो गाइस जाके 159K फॉलोअर्स करा दो, तो एक दिन में 2000 लोग भी अगर फॉलो कर लेना तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसे ही मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे ना, तो मैसेज में लिख देना फ्रॉम #, एंड जितने भी टॉप 10 अच्छे कमेंट्स होंगे ना उनको मैं आज रिप्लाई करूंगा इंस्टाग्राम। एंड गाइस मैं आपको बताऊं, जो आज का पूरा व्लॉग है ना वो मैंने शूट किया है GoPro से, तो मेरे को बताना जो इसकी क्वालिटी है, मतलब अगर मैं पूरा व्लॉग इससे शूट करना चाहूं तो कैसा है यार। तो बस ऐसे सपोर्ट करो, प्यार करो, आई लव यू ऑल।